हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको इसकी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसकी जितनी भी थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, वो सारी थ्योरी कवर करवाने वाला हूँ। आपको वन शॉट वीडियोज मिलेंगी, यूनिट वाइज 5 यूनिट है, 5 वन शॉट वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपको मैं एक वीडियो के अंदर एक यूनिट की जितने भी थ्योरिटिकल कंटेंट है, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके एग्जाम में, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारा थ्योरिटिकल कंटेंट एक ही वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन वन शॉट रिविजन्स को। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। इनके जो नोट्स हैं वो पेड नोट्स हैं, अगर आपको ये थ्योरी वाले नोट्स परचेज करने हैं तो आप मेरे से परचेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मेरे को डीएम कीजिए, वहां पर आपको इसके प्राइस के बारे में पता लग जाएगा, जिससे आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, इसकी कंप्लीट थ्योरी। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमें समझना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड अ बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड एन एक्सप्लेनेटरी नोट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी चार चीजें इंक्लूड होती हैं, कंपनी की बैलेंस शीट एज एट एंड ऑफ द ईयर, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो की स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये चार चीजें मिलकर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं। एक कंपनी के फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 241, फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मीन द पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च ऑफ एवरी ईयर। हर साल मार्च के 31st डे को जो पीरियड एंड होता है, उस चीज को कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनीज और कंपनीज। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए वो ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए कंपनी के अफेयर्स का, ऑपरेशंस का। कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133, सेक्शन 133 के अंदर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताए गए हैं उन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाई गई होनी चाहिए। फिर शेल बी इन द फॉर्म और फॉर्म एज मे बी प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट क्लास और क्लास ऑफ कंपनी इन शेड्यूल 3, उस फॉर्म में, उस फॉर्मेट में होनी चाहिए जो कि शेड्यूल 3 के अंदर शो कर रखा है आपको कंपनीज एक्ट के। फिर द आइटम कंटेंट इन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल बी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जो इनके अंदर जो भी आइटम्स हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग शो करे गए होने चाहिए। मतलब जिस नाम से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बता रखे हों, जो टर्मिनोलॉजी यूज करी हो, उसी नाम वही टर्मिनोलॉजी यूज की जानी चाहिए, ठीक है। ये था आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर अगर आपका इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड मीन्स द प्रॉफिट ऑफ कंपनी विच इज नॉट रिटेन्ड इन बिजनेस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने पास रिटेन करके रखना नहीं चाहती है, वो शेयर होल्डर के बीच में बांटना चाहती है उस प्रॉफिट को, तो उस चीज को डिविडेंड कहा जाता है, और वो शेयर होल्डर को उनके शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, ठीक है। अब डिविडेंड दो तरीके का होता है, एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। तो द डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर नोन एज प्रपोज्ड डिविडेंड। ऐसा डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं वो कहलाता है आपका प्रपोज्ड डिविडेंड। इफ एन एंटरप्राइज डिक्लेयर डिविडेंड टू शेयर होल्डर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, द एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज दोज डिविडेंड एज लायबिलिटी एज एट बैलेंस शीट डेट अनलेस द स्टैट्यूट रिक्वायर अदरवाइज। अगर कोई कंपनी ने बैलेंस शीट बन गई उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो कंपनी उसे उस बैलेंस शीट के अंदर एज अ डिविडेंड इंक्लूड नहीं कर सकती है। ये रिक्वायरमेंट, मतलब प्रोविजन है कि कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी उसे नेक्स्ट ईयर में इंक्लूड करेगी। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड इज द डिविडेंड विच इज डिक्लेयर बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग, इट डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। ऐसा डिविडेंड तो जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग के बाद या उसमें डिक्लेयर करा जाता है, लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, मतलब मिडल ऑफ द ईयर में डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके लिए शेयर होल्डर वगैरह की कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कंपनी के पास ज्यादा और अच्छा प्रॉफिट होता है तो कंपनी बीच में भी डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड, उसे कहा जाता है आपका इंटरिम डिविडेंड, ठीक है।
फिर आता है आपका फाइनल डिविडेंड क्या होता है। तो फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। फाइनल डिविडेंड वही होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज्ड करते हैं और उसे एजीएम के अंदर शेयर होल्डर डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो कहलाता है आपका फाइनल डिविडेंड। शेयर होल्डर आर एम्पावर्ड टू अप्रूव और लोअर द डिविडेंड प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर। शेयर होल्डर के पास पावर होती है कि वो चाहे तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर करा रिकमेंड करा है उसे कम भी कर सकते हैं और उसे जो डिक्लेयर करा है वैसा भी अप्रूव कर सकते हैं, उसे बढ़ा नहीं सकते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एंटाइटल टू गेट डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड वही होता है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, ये फिक्स्ड रेट से दिया जाता है, इसका रेट फिक्स होता है और ये इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले दिया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका सारा थ्योरिटिकल कंटेंट जो भी इस यूनिट में है। इसके बाद आपको देखना है जो फॉर्मेट बताया गया है इसके अंदर आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का। तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है ये आपके सामने है। इसमें बैलेंस शीट ऊपर लिखना होता है, नेम ऑफ द कंपनी आता है, बैलेंस शीट एज एट डेट आता है, कॉलम आते हैं आपका पर्टिकुलर का, नोट का, फिर अगर आपको दो ईयर के कंपेरेबल बैलेंस शीट बनानी है तो आप दो कॉलम लेंगे, फिगर ऑफ करंट ईयर, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, वरना आप सिर्फ एक करंट ईयर वाला भी लेकर बना सकते हैं। हेडिंग आती है इसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटी में आपकी पहली शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर आपकी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये आ जाती है। सेकंड मेन हेडिंग आती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड हेडिंग आती है नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये आ जाते हैं। फोर्थ हेडिंग होती है आपकी लॉन्ग करंट लाइबिलिटी की, इसके अंदर आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड पार्ट एसेट का। तो एसेट के अंदर पहले आते हैं आपके नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस एंड अदर नॉन करंट एसेट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आता है आपकी सेकंड हेडिंग जो है की है करंट एसेट। करंट एसेट में आपकी करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर करंट एसेट्स, इतनी चीजें आ जाती हैं। ये आपका फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, ठीक है। फिर आता है आपका फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको आप नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेम ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर एंडेड है। इसमें भी आपका कॉलम पर्टिकुलर का, नोट नंबर का, सेम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर अगर आपको कंपेरेबल बनानी है, और अगर एक ही बनानी है तो करंट ईयर का कॉलम। फर्स्ट हेडिंग आती है इसके अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड हेडिंग होती है अदर इनकम की, दोनों का टोटल आता है, थर्ड हेडिंग टोटल रेवेन्यू। फिर आते हैं इसमें आपके एक्सपेंसेस, फोर्थ हेडिंग के अंदर सारे एक्सपेंस लिखने होते हैं आपको, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज, चेंज इन इन्वेंटरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, और इन सब का टोटल लेना होता है। फिर फिफ्थ हेडिंग आती है आपकी प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, जिसमें आपको थर्ड वाले में से फोर्थ वाले को माइनस करना होता है, तो आपका ये प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स आ जाता है। उसमें से आपको फिर क्या करना होता है, सिक्स्थ हेडिंग आती है आपकी एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी आइटम होते हैं, सिक्स्थ में आपके एक्सेप्शनल आइटम आ जाते हैं, एट्थ में आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाते हैं, नाइन्थ आता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के, जब आप इन दोनों को माइनस कर देते हो। अब इन दोनों को माइनस करने के बाद टेंथ में आपको टैक्स माइनस करना होता है। फिर आता है आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कि आपका टैक्स के बाद का क्या प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। उसके बाद आपने अगर कोई डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है, ये सारा नीचे का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका ये प्रॉफिट आप टैक्स निकल के आ गया, यही सारा मेन होता है, यही था क्वेश्चन में पूछा जाता है, इससे नीचे का आपका नहीं आता है, लेकिन ये फॉर्मेट दिखा रखा है इसलिए मैंने इसमें आपको इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 2, जो भी आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट था सारा कवर करवा दिया है। थ्योरिटिकल का इसमें से इतना ही आता है, इसके अलावा इस यूनिट में से और कुछ भी नहीं पूछते हैं। होप तो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।